देखो बस, इस दुष्ट अपराधी असभ्य यमदूत से भूल हुई है, जो कदाचित क्षमा के योग्य नहीं, इसलिए इसे 40 कोड़ों से दंडित करने का आदेश दिया जाता है। सर आप ये मत सोचना कि ये मेरी कारणी का पतीज है, आप जितनी चाहे इसको सजा दे सकते हो। 50 कोड़े मुझे लगता है अभी भी सजा थोड़ी कट है। 40 कोड़े इसके लिए, कर्म सिंह तुम्हारे लिए 50 कोड़े। मैनू कोड़े क्यों, मैनू किस गलती सजा? तुम्हारा दोष रिश्तेदारों को भर्ती करना और हिंदी में पंजाबी दी मिलावट करना। अगर राजपाठ नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दीजिए। सर इस्तीफा तो दे दूं, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि राज और खाज आप करके ही स्वाद आता है। अब कोड़े 60 कर दिए जाएं। हगलजू, तुम बताओ कोड़े खाने से पहले आपकी कोई अंतिम इच्छा है? मेरे हिस्से के कोड़े भी फुफड़ जी को लगाए जाएं और लगाए भी वहां जाएं जहां मैं कहूं। मैं भी सहमत हूं। एक्सीलेंट। और दूर फेटा मुंह तेरे नाल तेरी पुआ दे। पछाड़ लिया। आप तो वही हो ना जो टेलीविजन के उत्ते आते हो। कैसे मूर्ख की भांति वार्तालाप कर रहे हो बस? अब सॉरी जी, वो आप थोड़े बुढ़े हो ना, बाबे आदम के बेड़े के वैसे ही लगते हो। ओ तू की अपना नमा सीढ़ी से पापा के बह गया। कर्म सिंह, ये सीढ़ी से पापा क्या होता है? आपने वो कैरी ऑन जट्टा फिल्म देखी है? 10 बार। उसमें सीढ़ी का ही तो स्यापा है। ओ आई रिमेम्बर। इन्हें छोड़ो, हकलजू तो फैसला करो। हकलजू, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि इस बंदे के प्राण इस बंदे के शरीर में दोबारा प्रवेश किए जाएं। और सुसुदा टाइम नहीं हैगा खिची जल। सॉरी यार, मेरे करके तेरे नाल हाँ सब कुछ हुआ है। ओ तू टेंशन ना ले पतंदरा, सगा तो मेनू पता लग गया मेरी जिंदगी 60 साल पई है, हुण देखी मैं 100-100 के किवें तुक्कियां कढ़दा। होया किया पिस्तौल है रखना पैंदा भाई, दूजे यमदूत आके आत्मा को के त्रू तारे ते भेज देंदे। त्रू तारे ते? हाँ। क्यों, उत्थे किया? उत्थे दुबई वाले शेखां दा जम लोक है। गजण धरती तो आत्मा लैण गया। ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਹਨੂੰ, 15 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਜਿਉਲੂ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਕਰ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ, ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜੇ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲੈ ਲਾ, 1.5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ? ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਉੜਦੀ ਛੂਹ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਮਦੂਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਭੋਗਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਭੋਗਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਗਿਆ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਆ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਲੈ ਹੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣੇ, ਜੇ ਇਹ ਲੈਣੀ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੇ ਜਾ। ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਹਟੂ। ਕਰਤਾ 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 ਕਰਤਾ
तू आत्मा इंसान दे नहीं मार सकता। इंसान दे नहीं मार सकता, तेरे तो मार सकता। ते तो धरती दे लाश नाल नहीं साड़ा होया, घटो घट इत्थे मेरी मौत तां सखाली हो जांदी। करम सिंह, पूरी सभा के सामने मेरी उपस्थिति में इस तरह हकल चुका अपमान कैसे कर सकते हो? करो गल, मुझे आपको मजबूरन कोड़ों की सजा देनी पड़ेगी। ओ तो पनाड़ा दो जी इन्हां नूं, पिछली बारी जदों तुसीं इन्हां नूं कोड़ियां दी सजा दित्ती सी ना, ए पिछले पासे लोंगड़ बन के आ गए सी, कोई फर्क नहीं पिया सी। जे करना तां मेरा हल करो जी कोई, प्लीज। हल यानी कि उपाय? हाँ। उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी कर्मराज ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करके सृष्टि के नियम के साथ खिलवाड़ नहीं था किया। ओ सर जी, मैं तां सिर्फ खाज कीती है जां राज कीता, खिलवाड़ तां इहने कीता। करम सिंह, फिर से मैं आपके सामने, सोचने दो। मिल गया। आपको उसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करना होगा जिसके बदले में आपके प्राण हरण किए गए थे। मतलब समझे? मतलब मैं समझाऊं? समझाओ। तू जिस आदमी के शरीर च घुसेगा तेनू वही आदमी बन के रहना पौगा, और अपने बारे किसी को दस नहीं सकेगा। जे दसन की कोशिश करेगा तो तू उस आदमी के शरीर च नहीं रह सकेगा और ना ही उपर आ सकेगा, सदियां विच बचाले भटकेगा। पर मैनू तो जी किसी होर दे शरीर च रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं गा, कोई गलती मलती हो गई मैं तो हवा च रुल जूंगा। दुनिया की सब तो वड्डी गलती हकलचू, ए तेरे नाल धरती ते जाएगा और उस आदमी दे विच तैनू एडजस्ट होण च तेरी हेल्प करेगा। ए उदों तक उत्थे रहेगा जदों तक तू उस आदमी के सेट नहीं हो जाता। जदों तू हकलचू नूं मुक्त करेगा ए सिर्फ उदों ही उपर आ सकेगा। मैं तो कहना मुक्त करी वी ना, घट्टो घट मैं तो इत्थे शांति नाल रह लूं उन्ना चिर। करम सिंह, मैं आज किसी को कोड़ों की सजा नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं एक बात पे और बहुत खुश हूँ। की गल जी, ऐसे उम्र थोड़े कोई जुआक जला होने वाला? इसे अनगिनत कोड़े लगाए जाएं।